नमस्कार। सो आपने मेरा लास्ट वीडियो बहुत पसंद किया है, बहुत फोन आ रहे हैं, मतलब मैं उन्हें फोन कहूँ, लीड्स कहूँ, और देखिए मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा। मैंने लास्ट वीडियो में ना समझाया था, और अब मैंने अपने स्टाफ को बोला है कि सेम चीज़ें वो आपको समझा दे जो भी कॉल करेगा इस वीडियो को सुन के या लास्ट वीडियो को सुन के। और ये देखिए मैं 2 दिन बाहर था, वीकेंड था, तो देखिए पिछले 3 महीने से आपको पता ही है कितना स्ट्रेस चल रहा है, काम चल रहा है, तो वी हैड अ स्मॉल रिलैक्सेशन। और ये न्यूज़ 6 तारीख को ही आई थी, लेकिन मैं इसको बना, हिंदू एक बहुत ही रिनोन्ड न्यूज़पेपर है, इसलिए उसकी न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईए टू कंडक्ट सेकेंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, क्योंकि 143 मेडिकल सीट्स। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया। डिग्री डिग्री डिग ठीक है ना, डिग्री डिग्री तो देखिए तो हुआ क्या ना, 3 4 ना स्टेक होल्डर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई 30 सितंबर तक काउंसलिंग खत्म करनी है, ओके जी। उन्होंने बोला जी करप्शन भी कम करनी है तो ऑफलाइन ऑनलाइन राउंड करो जी, ठीक है जी। और इस तरह हम भाई खजाने के एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 तक ऑनलाइन करा, लेकिन जब राउंड 4 में भी सीटें खाली जा रही थी और उनको लग रहा था कि भाई सीटें बच रही हैं, तो उन्होंने इमिजिएटली क्या करा, एक दिन का भी इंतजार नहीं किया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि 29 को ही आ गया 5वें राउंड का नोटिफिकेशन। ये देखिए ये ना 29 तारीख को आया था, 29 तारीख को फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ की गई, सिर्फ 12 घंटे का समय था। 30 तारीख को सुबह 11 बजे उन्होंने अपना ऑफलाइन स्पॉट राउंड कर दिया। उससे पहले देखिए सीट मैट्रिक्स आई, जिससे हमको पता चला ना कि 5 कॉलेज में मिला के 4 2 6 5 11 3 14 और 22 सीटें, मतलब एवरेज 6 कॉलेज 22 सीटें, 1 कॉलेज में 4 सीटें। वही आप इसको देखोगे तो 143 सीटें हैं, तकरीबन 31 कॉलेज है कर्नाटका में। और ये मेरी मानना है कि एक एवरेज में अगर पकड़ू ना, जहां जहां पर आखिरी राउंड ऑनलाइन हुआ है अभी तक, वहां पर 3 से 4 सीटें वैकेंट है। क्यों हो रही है ये भी मैं 5 बार समझा चुका हूँ, 6ठी बार समझा रहा हूँ, क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है आज भी, मैं तो अभी भी कहूंगा, अगर सारे राउंड फिर से ऑनलाइन हो गए और किसी बच्चा 230 नंबर वाला है, तो वो लाख 2 लाख के डिपॉजिट की परवाह तो करता नहीं है। आप उत्तराखंड भी भर दोगे, आप यूपी भी भर दोगे, आप बिहार भी भर दोगे, बंगाल भी भर दोगे, आप पौंडेचेरी का स्टेट वाली सीटें ही भर दोगे, आप डीम्ड के थ्रू भी सब भर दोगे जो मिल जाए, और जहां जहां पर ओपन स्टेट है आप कर्नाटका भी भर दोगे, आपका बोका लगेगा, आप आंध्र तेलंगाना भी भर दोगे। ये एक टिपिकल बच्चे की मेंटेलिटी है, क्यों ना हो, आपको सीट चाहिए। और प्राइवेट एमबीबीएस में जब हम 1 CR खर्च करने को तैयार हैं, तो कोई इंसान लाख 2 लाख 5 लाख डूबने की परवाह भी नहीं कर रहा डिपॉजिट्स इस मौके पर आके। खासकर फिर आप 5 जगह भरोगे, फिर आपको 3 जगह सीट मिलेगी ज्वाइन, तो 1 जगह करोगे फिर 2 सीटें खराब। तभी हरियाणा ने और राजस्थान ने क्या किया था ना, एक दिन के अंदर अंदर ऑफलाइन स्पॉट कराया। यही राजस्थान ने किया था, जो राजस्थान का आखिरी था ना, देखिए ये वाला जो था 29 तारीख को आया था नोटिस, और 30 तारीख को ही 4 बजे इन्होंने स्पॉट राउंड कर दिया था। क्योंकि जो 29 तारीख को काउंसलिंग चल रही थी उसकी रिपोर्टिंग थी 30 तारीख तक 2 बजे, और 2 घंटे बाद ही इन्होंने कर दिया था स्पॉट राउंड, ताकि इन्होंने भी 30 तारीख की डेडलाइन को फॉलो कर दिया। लेकिन बाकी पूरे हिंदुस्तान में सीटें हैं, तो जो लोग आप बार बार मुझे फोन करके पूछ रहे हो सर कहाँ मिलेगा, मैं आपको ना ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कहाँ नहीं मिलेगा। हिमाचल पक्का खत्म है, हरियाणा पक्का खत्म है, राजस्थान पक्का खत्म है, जहां जहां हिमाचल ने ऑनलाइन स्पॉट करा, ठीक है ना, 1 सीट जो सोलन की थी, बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सीटें मिल सकती हैं। अब डिपेंड करेगा आपका क्या बजट है, नेगोशिएशन होंगी बिल्कुल होंगी भैया, जब आखिरी दिन आएगा और किसी कॉलेज की 4 सीटें जा रही होंगी खाली या 2 सीटें भी जा रही होंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो 1 करोड़ के पैकेज वाले को 80 पे भी देते। अब मैं आपको भी समझाना चाहूँगा, आप सब चीज़ समझ गए, हम जो एक नॉमिनल इस समय 40,000 रुपये फीस ले रहे हैं, वो आपको अभी देनी पड़ेगी। उस फीस का पर्पज़ यही है कि फिर आप मेरे क्लाइंट बन जाओगे, और फिर आप ये वीडियो नहीं सुनोगे, आप मेरी पर्सनल जैसे बोलते हैं व्हाट्सएप लिस्ट में आ जाओगे, और जो भी ऐसे नोटिस आएंगे किसी भी स्टेट के किसी भी उसका, वो हम आपको बताएंगे इंडिविजुअली, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। नेगोशिएशन में कोई ये कहेगा कि सर फीस मैंने आपको दे दी, लेकिन मैं तब वहीं जाऊँगा जहाँ मेरे को 70 का पैकेज मिल जाए, हो सकता है कि आप खाली रह जाओ, बट ठीक है, वी बोथ विल ट्राई, और उस ट्राई की हमारी फीस होती है, राइट। दूसरा देखिए नजरिया ये होता है कि फिर मैं आपसे 3 लाख रुपए मांगूंगा और बोलूंगा ठीक है भाई सीट मिल जाएगी तो 3 लाख रुपए देना, उसके बदले हमने एक नॉमिनल काउंसलिंग फीस रखी हुई है, क्योंकि हम वही लेके खुश हैं। तो जो भी आपको सीट मिलेगी, कोई अपने आप सीट मिल जाएगी,
और सबको मैं आपको ये कहना, अगर 1 CR के अराउंड का बजट रखे हुए पक्का सीट मिल जाएगी, कर्नाटका से ये साबित हो रहा है। और अगर मैं अपने एक हंच बोलूं, कुल मिला के कोई बड़ी बात नहीं, इस समय MBBS की 500 सीटें खाली होंगी अक्रॉस इंडिया। जी हाँ, 500 में ग्राउंड फिगर दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास ही खबर आई है कि सिर्फ तमिलनाडु पौंडीचेरी में ही 44 DM की सीट्स खाली हैं। अगर मैं सारे जोड़ दूँ, मतलब हमारे एक वहाँ के पार्टनर ने हमें इंडिविजुअली आके कॉलेज का फिगर बताई है, पूरे डीम्ड में शायद अक्रॉस इंडिया 100 सीट्स खाली हैं। जी हाँ, 100। और उसी सेंस में अगर हम उसको और मैं उसको एक्सट्रापोलेट करूँ, तो मैं कहना एवरेज 3 से 4, 3 से 4, तो पूरे कॉलेज में जितनी इंडिया में जितनी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं, 500 इज़ अ वेरी वेरी, मैं कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूँ कि 500 सीटें तो खाली हैं ही हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 550, 600, 700 तक भी जा सकता है। 500 मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, जानी चाहिए लुकिंग एट बाकी के जो रिकॉर्ड थे। और वैसे तो पौंडीचेरी स्टेट में इसमें बहुत ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हैं, जो पौंडीचेरी स्टेट के जो 3 प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर वो राउंड टू मैच इसमें पौंडीचेरी में रिपोर्टिंग हो रही है, मतलब कल्ला पौंडीचेरी स्टेट ही हमें 100-150 सीटें दे सकता है, और इस समय बहुत सारे बच्चे मैदान में नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर आप 1-1.5 तक का टोटल बजट खर्च करने को तैयार हो, सीट मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने, मोस्टली लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तभी हम 40,000 रुपये ले रहे हैं, तो 75,000 रुपये लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है। लेकिन चूंकि आप में से कई लोग कहते हैं कि सर हमने हर जगह रजिस्ट्रेशन करी रखा है, आपने खाली हमें गाइड करना है, आपका रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म भरने का वो सब करने का ख़त्म हो चुका है, 1 राउंड 2 राउंड की स्ट्रेटजी बनाने का ख़त्म हो चुका है, अब तो ये है कि बस हमें सीट दिलानी है, आप 2 जगह भरवाओ 4 जगह भरवाओ और रजिस्ट्रेशन वगैरह हम खुद करेंगे। इसलिए हमने फीस अपनी कम कर दी है, बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ ए एडवाइजरी फीस नाउ। जब हम सीजन के स्टार्ट में 75,000 रुपये लेते हैं, फिर तो हम अपने सारा काम करते हैं ना, फॉर्म फिलिंग से लेके, चॉइस फिलिंग से लेके, प्लस ये भी देखना है कि कौन सी चॉइस किस राउंड में भरनी है। ओके, तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये आपको साबित करता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उनको भी हम यही कह रहे हैं कि आप चाहे और 1-2 दिन वेट कर लीजिए, जिस दिन ये ऑफिशियली राउंड आ जाए तभी हमारी फ़ी पे कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है हमें फ़ी लेने की, और उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हमें ना दो, खुद काम करो, किसी जो आपके करंट काउंसलर्स हैं, यही सब न्यूज़ मुझे विश्वास कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, क्योंकि रूल ये था ना कि 30 तारीख तक ख़त्म करनी है, तो इसलिए दे हैव टू टेक परमिशन, और परमिशन देनी ही पड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इसलिए दे पा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गई हुई होगी, क्योंकि भाई 500-600 सीट का मतलब ये है 600 करोड़ का नुकसान प्राइवेट कॉलेजेस का, तो वो नुकसान क्यों भुगतेंगे, क्योंकि काउंसलिंग करा के सीट भरना जिम्मेवारी है अथॉरिटीज की, कॉलेज की नहीं। कॉलेज तो कह रहा है ना कि भाई अच्छा भला ऑफलाइन राउंड में लास्ट ईयर करता था, 2022 तक अपनी सारी सीटें भर लेता था, बल्कि 2 पैसे ऊपर से भी कमाता था। आपके चक्कर में ऊपर की कमाई तो छोड़ो, मेरे को तो मेरी तो सीट भी नहीं भर रही, तो जब अगर प्राइवेट कॉलेज की सीट खाली जाएगी ना, तो जो जिम्मेवारी है वो है काउंसलिंग बॉडी की, KEA की, या UHSR काउंसलिंग की, या राज UG नीट की, तो इनको अपनी जिम्मेवारी भाई निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है उनका वो तो इनकी जिम्मेवारी है ना। ठीक है, सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। आप हमारा नंबर जानते ही हैं, 9643362320, कॉल कीजिए प्लीज़। ये सब क्वेश्चन पूछने की कॉल मत कीजिए, चाहे वेट कीजिए, नंबर थमा के रखिए, जब राउंड ऑफिशियली आ जाएगा, जैसे KEA का बता दिया, मैं वीडियो में ये जरूर बताई दूंगा आपको कि नाउ वी आर अगेन इन द मार्केट, सीट है, और फिर जो हमसे संपर्क करना चाहे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू विल गेट द अकाउंट नंबर, फी पे कीजिए, एंड देन यू कैन टॉक टू मी एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। आई होप कि आजकल में आना चाहिए, क्योंकि डिले होता जा रहा है, और आजकल में आके मेरे ख्याल से इसी हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के अंदर इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जो बच्चे आएंगे इनकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा ना। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।